हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की हमारी पिछली वीडियोज में हमने रिमाइंडर्स की जो वेरियस थ्योरम्स हैं, विल्सन थ्योरम, यूलर थ्योरम, सीआरटी या फॉर्मेट थ्योरम सीखी, और बाद में हमारी कल एक वीडियो आई ट्रेलिंग जीरो के ऊपर। और आज जो ये वीडियो है, ये नंबर सिस्टम की जो रिमाइंडर निकालने के जो हमने थ्योरम्स आपको बताई हैं, उनके कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इन पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले यह एग्जाम्पल हमारे पास आया है, 7 to the power 2015 मोड 9 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं, 9 का जो यूलर है वो होता है 6। यूलर निकालने के लिए आप हमारी लास्ट वीडियो देखें, और 2015 को हम लिख सकते हैं 6k+5 की फॉर्म में, जहाँ k कोई इंटीजर है, मोड 9। तो इसकी वैल्यू तो सीधा सीधा 1 हो जाती है यूलर थ्योरम से, और प्लस 7 to the power 5 मल्टीप्लाइड 7 to the power 5 हमारे पास बचेगा, और 7 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो -2 power 5 -9, तो -32। अब आप देखते जाइए, यानी कि -5, और इसको हम माइनस नहीं रहने देंगे, इसको पॉजिटिव करना है, तो आंसर हो गया हमारा 4। आई थिंक यू गॉट इट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ देखिए एक और एग्जांपल हमारे पास है, और ये कहता है कि 11 फैक्टोरियल में जब 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ हम यूज करेंगे विल्सन थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर 15 फैक्टोरियल है और उसमें 17 से डिवाइड किया जाए तो 1 आता है। जिसने विल्सन थ्योरम अभी नहीं देखे हैं वो हमारी लास्ट वीडियोज में जाके देखें। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15, 14, 13, 12 और 11। मोड 17 इज इक्वल टू, आप यहां देखेंगे जब 17 से इनमें डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 -3 -4 -5 और 11। ऐसे ही 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, 120, क्योंकि 120 में 17 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। ये हमने क्यों किया ये मैं अभी आपको बताऊंगा, इन सब की मल्टीप्लाई होगी 120। इस 120 से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 फैक्टोरियल मोड 17 इज इक्वल टू 1। अब आपको पता लगा होगा 120 हमने यहाँ क्यों लिखा था। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये एक और एग्जांपल हमारे सामने है, और ये कहता है कि 128 to the power 1000 में यदि हम 153 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 153 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो इसको हम सीआरटी से करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 7, और इसमें जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि 17 से डिवाइड करें तो 1 आए और 9 से डिवाइड करें तो 7 आए, तो ऐसा नंबर होगा हमारे पास 52, और यही हमारा उत्तर होगा। जब 128 100 पावर इसमें 153 से डिवाइड करेंगे तो 52 आंसर आएगा। तो ये हमने कैसे किया, ये सीधे सीधे डिवाइड करके या यूलर जैसी थ्योरम्स हैं उनका यूज करके होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए इसके लिए हमारी जो लास्ट वीडियोज हम डाल चुके हैं उनको एक बार जरूर देखें। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये हमारे सामने एक और एग्जांपल है, आप देखिए इसमें
अगर हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू ये 21 है, मैं आपको बता दूँ, 2 × 8 × 7 × 21 को हम लिखेंगे 3 × 7, और ये 6 फैक्टोरियल है तो ये सीधा सीधा 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 16 − 3 = 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 × 7 फैक्टोरियल। तो आप देखिए जब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको कि जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 किस लिए आएगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 13 फैक्टोरियल में ही ये दोनों टर्म इंक्लूड होंगी इसलिए 0 हो जाएगा। अब बात सिर्फ इसकी बचती है, तो 14 × 7 × 13 × 7 इसको हम अभी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, अंदर हमारे पास बचा 1 और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 7 फैक्टोरियल। देखिए ये और एग्जांपल मेरे सामने है और ये कहता है कि 32 × 32 में यदि हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्योंकि 10 = 2 × 5 तो इसको हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि ये एक 2 का मल्टीपल है। हमें ये भी निकालना है कि अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। मैं आपको बता दूं इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4k। ये हमने कैसे लिख दिया मैं आपको बता दूं, 32 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और ये 4k के टर्म में होगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि 5 का जो यूलर है वो 4 है और 5 और 2 को प्राइम है तो ये रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1। तो अब हमें एक ऐसी नंबर सोचना है जिसमें 2 से डिवाइड करें तो 0 आए, 5 से डिवाइड करें तो 1 आए, और ऐसा छोटा से छोटा नंबर हमारे पास है क्या 6। तो यही हमारा आंसर होगा। हम एक और एग्जांपल अब देखते हैं, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, अब 1 × 2 और इसी तरीके से 100 तक का सम है और इसमें अगर 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 6 इज इक्वल टू होता है 2 × 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, और इसमें आप देखेंगे कि 3 फैक्टोरियल उसके बाद 4 फैक्टोरियल फिर 5 इसी तरीके से 1000 तक, तो ये सब में तो 3 फैक्टोरियल इंक्लूड है तो यहाँ तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ ये डिटरमाइन करना है इसकी वैल्यू है 1 + 2 = 3 और ये 3 ही हमारा आंसर है क्योंकि 3 + 0 = 3 तो हमारा आंसर हुआ 3। ये एक और क्वेश्चन मुझसे कल पूछा गया और इसमें ये कहता है कि 501 502 × 503 और इसी तरीके से 1000 तक मल्टीप्लाई करने पर टेलिंग जीरो कितने होंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम टेलिंग जीरो निकालें 1000 फैक्टोरियल में और माइनस उसमें से 500 कर दें, तो 1000 यानी कि 1000 फैक्टोरियल में हमारे पास 0 होंगे कितने। मैं आपको बताऊं जो तरीका है टेलिंग जीरो निकालने का वो हम अप्लाई यहाँ कर रहे हैं, और इसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देखें जिसमें मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो इस ये तो हो गया 249 माइनस 500 फैक्टोरियल में 0 होंगे, टेलिंग 0 होंगे 100 + 20 + 4 = 124, तो हमारा आंसर हो गया 125।
आप देख सकते हैं जब प्रैक्टिस हो तो उसके बाद क्वेश्चन कितने आसानी से आप लोग जल्दी से कर सकते हैं। किसी शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बेसिक्स कंसेप्ट अपने क्लियर रखें। मैं आपको इसलिए एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, देखिए सकते हैं। एक और एग्जांपल हमारे सामने है कि 15 to the power 40 में यदि हम इससे डिवाइड करें तो क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये इज इक्वल टू है 7 × 11 × 17। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हमको सबसे पहले इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है वो निकालना होगा। तो 15 to the power 40 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए ये रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ हो गया 1। इसी तरीके से हम बाकियों को निकाल लेंगे, ये भी 1 आएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब 17 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। और जब हर कंडीशन में 1 आए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा उत्तर 1 हो जाएगा। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था और कितना आसानी से हो गया, सिर्फ प्रैक्टिस करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमको बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। थैंक्स।